सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दृष्टिगत दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से टीम बनाकर अनाधिकृत वाहनों पर कार्रवाई करें। बैठक में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा कम संख्या में दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों पर की गई कार्रवाई पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान सभी के सामान्य व्यवहार किया जाए और बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, क्षमता से अधिक सवारी ढोने वाले ओवरलोड, बिना बीमा वाले वाहनों के चालकों एवं तेज रफ्तार वाहन चालकों पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाएं और जुर्माना न भरने की स्थिति में चालान करें और भारी वाहनों के उल्लंघन करने पर उन्हें सीज किया जाए। आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करी गई, इसमें पिछली बैठक का अनुपालन को चेक करा गया है। साथ ही साथ कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां अतिक्रमण होता है, चौराहों को किस तरह से बड़ा बनाना है, ई रिक्शा पे किस तरह से नियंत्रण करना है और ई रिक्शा के पार्किंग के स्थल कुछ निर्धारित करे गए हैं शहर में, उनको भी देखना है। साथ ही साथ जो अभियान चलाए गए थे हेलमेट को लेकर, सीट बेल्ट चेकिंग को लेकर, उनको किस तरह से और प्रभावी बनाते हुए अन्य कस्बों तक भी अब ले जाना है, उसकी भी एक रूपरेखा डिसाइड करी गई। इसी को लेकर बैठक हुई और सभी अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सर, नर्सिंग होम में पार्किंग को लेकर भी निर्देश कुछ जारी किए गए हैं? शहर में कई ऐसे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और व्यवसायिक संस्थान हैं जिनकी पार्किंग स्थल प्रॉपर ना होने की वजह से शहर का यातायात प्रभावित होता है, लोगों को असुविधा होती है, आए दिन जाम लगते रहते हैं। इस तरह के संस्थानों को पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका है, अंतिम उनको 7 दिन का नोटिस दिया जा रहा है। उनके नक्शे भी अब दिखवाए जाएंगे हैं कि उन्होंने अपने नक्शों में इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई थी और यदि नहीं थी तो वो नक्शे किस प्रकार से पास हुए हैं, और यदि वो 7 दिन के अंदर ये अपनी व्यवस्था दुरुस्त नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी, जिससे आम जनमानस को जाम की परेशानी से राहत मिल सके। सर,